नॉलेज ग्रिप केस 5 मिनट के वीडियो क्लिप में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। 5 मिनट के इस वीडियो सेगमेंट में हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स और रूलिंग्स को केस लॉ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में ये हमारा पहला एपिसोड है जिसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज हम 1989 में दिए सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क रूलिंग को समझेंगे। केस टाइटल के तहत केस है हमारा सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, 1989 का ये केस है। हमारे फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा ये केस है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है और उन फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में निहित किया गया है। ये जो पर्टिकुलर केस है सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी 1989, और मज़े की बात यह है कि आज ही के दिन इस केस का जजमेंट आया था। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत आता है, और इसलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के तहत ये जो हमारा राइट है, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, इस पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में राइट टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस को फंडामेंटल राइट माना गया, राइट, और इसके तहत ये कहा गया कि स्ट्रीट्स और पेवमेंट्स पर जो हॉकर्स होते हैं, यानी जो फेरी वाले लोग होते हैं, अगर वो कोई बिजनेस, कोई ट्रेड कंडक्ट करते हैं रेगुलरली, और वो बिजनेस या वो ट्रेड उनका ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, यानी आजीविका का एकमात्र साधन है, तो कल को आप उन्हें ये कहकर वहाँ से हटा नहीं सकते हो, या उन्हें वो बिजनेस या वो ट्रेड करने के लिए प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो कि ये जो स्ट्रीट है, ये जो पेवमेंट है। अच्छा, पेवमेंट का मतलब क्या है? पेवमेंट का मतलब ये है कि सड़क के किनारे का वो हिस्सा जहाँ आम जन पैदल चला करते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि चौराहों पर, गलियों में लोग फेरी यानी ठेले पर कुछ रख के बेचते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत। अब क्योंकि ये आर्टिकल 21 के स्कोप में नहीं आता है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज जी के तहत इन पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग को मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन द ईयर 2012 में स्ट्रीट वेंडर्स बिल पास किया, ताकि ये जो हमारे हॉकर्स हैं, ये जो हमारे फेरी वाले हैं, इनके राइट्स, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए विद इन लीगल फ्रेमवर्क। 2014 में इस बिल को पास किया जाता है और एक प्रॉपर एक्ट बनाया जाता है विद द नेम स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड, प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। ये पर्टिकुलर एक्ट अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव था, अपने आप में एग्जॉस्टिव है, जो उन सभी रूल्स, उन सभी रेगुलेशंस, ड्यूटीज, ग्राउंड्स फॉर एविक्शन, रीलोकेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म रिलेटिंग टू वेंडर्स को कवर करता है। तो
तो ये था हमारा सोदन सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कमिटी 1989 का केस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।